बड़े अच्छे लगते हैं से लोकप्रिय हुई चाहत खन्ना एक बार फिर से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल हाल ही में उन्होंने अपनी बेटियों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उसमें कैप्शन लिखा कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं तुम्हारी जिंदगी परियों जैसी बना दूं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने #singlemom भी लिखा था, जिसे लेकर मीडिया में ये अटकलें लगाए जाने लगी कि चाहत कि दूसरी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही है। जहां एक तरफ ये खबर फैली, वहीं अब उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी शादी खत्म करने की बात कंफर्म कर दी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान चाहत खन्ना ने कहा कि मैं जल्द ही तलाक की अपील दाखिल करने वाली हूँ। हाँ, ये सच है, हमें अलग हुए कुछ वक्त हो गया है, हम तलाक लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, क्या गलत हुआ, यह फैसला लेने के कारण बेहद निजी हैं और मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि वह हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। बताते चलें कि चाहत खन्ना ने 5 साल पहले फरहान मिर्जा से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद चाहत अक्सर पति के साथ रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करती थीं। चाहत की पहली शादी भरत नरसिंहानी से हुई थी। पहली शादी से उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा था। कुछ ही महीनों में यह शादी टूट गई थी। इसके बाद लंबे समय तक फरहान मिर्जा को डेट करने के बाद दोनों ने 2013 में शादी कर ली थी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।